बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन शवरमा सैंडविच पीटा ब्रेड के साथ। उसके लिए मैंने चिकन ली है बोनलेस 1.5 पाउंड। इसके अंदर डाला है क्रश पेपर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इन सब चीज़ों को डालकर इनको मिक्स करके आप 1 घंटे के लिए रख दें मैरिनेशन के लिए। उसके बाद हम इसको एक फ्राई पैन में बनाएंगे। एक फ्राई पैन ले लें, इसमें मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल और 1/4 कप मैंने लिया है हॉट वाटर। इससे चिकन जो है सख्त नहीं होगी और जूसी बनेगी। लो फ्लेम कर दूंगी, 10 मिनट का टाइमर लगा दूंगी। चिकन के पानी को फ्राई पैन पर खुश्क कर लें और ठंडा होने के बाद इसको हम काटेंगे। इस तरह से सारी चिकन मैंने ऑलमोस्ट काट ली है। चिकन को मैंने कैंची से काट के इसमें रख लिया है। सब्जियां मैंने कद्दूकस की हैं, बिल्कुल बारीक हैं तो इनको गलाना नहीं पड़ता। सबसे पहले एक बोल ले लें, उसके अंदर हम डालेंगे चिकन को। अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे कि आपको कम पसंद है या ज़्यादा। तीनों सब्जियां मैंने 1/2 1/2 कप ली हैं। मेयोनीज लिए मैंने 1/3 कप, कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं इसको। चाट मसाला मैं डालूंगी, या आप कोई सीजनिंग है तो सीजनिंग डाल दें, 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी, उसको भी आप 1/2 टीस्पून ले लें। अच्छी तरह से मिक्स कर दूं। इसमें अब और कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ इसके अंदर है इंग्रेडिएंट। इस टाइम पे आप इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी रखना है तो इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। पीटा ब्रेड को दोनों साइड से पहले सेक लें, इसके बाद हम इसे काटेंगे और फिर इसकी फिलिंग करेंगे। बहुत मज़े का भी बनता है, बच्चे और बड़े सब खा लेते हैं इसको। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है, इफ्तार में आप बनाएं झटपट बन जाता है। उसको हम कवर कर देंगे इस तरह से। गरम गरम इसको फ्रेंच फ्राइज के साथ आप रखें या ऐसे रखें। इसमें आप चीज़ भी डाल सकते हैं अगर आपको चीज़ पसंद है। इस तरह से हम हल्के से प्रेस कर देंगे ताकि ये इसके साथ बैठ जाए। थोड़े से इसके साथ मैं फ्राइज रख दूँगी और आप इसके साथ मैगी की चिली सॉस रख दें या कोई चटनी रख दें। सैंडविचेस हमारे इधर हैं। जो चिकन हमारे पास बची थी इसको मैंने डोंगे में निकाल लिया है। इमली की मीठी चटनी है, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ हैं और डाइट कोक है। बनाकर ज़रूर देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।